खबर बस्तर से है, जहां जगदलपुर में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 50 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें मंदिर की छत और कमजोर हो चुकी दीवारों की मरम्मत चल रही है। आपको बता दें कि 150 साल पुराने इस मंदिर का प्रबंधन टेंपल कमेटी देखती है और वर्तमान में PWD को निर्माण कार्य की जिम्मेदारी दी गई है। पिछले दिनों टेंपल कमेटी ने जीर्णोद्धार के काम पूरा होने के बाद इसकी गुणवत्ता विहीन होने को लेकर शिकायत की थी, जिसको लेकर टेंपल कमेटी के सदस्यों का कहना है कि जिस छत की मरम्मत की गई है। दरअसल मंदिर से ही जगन्नाथ रथ यात्रा के साथ साथ बस्तर दशहरे की रथ यात्रा की कई महत्वपूर्ण रस्में शुरू होती हैं। इसलिए जगन्नाथ मंदिर बस्तर के ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताओं के साथ ऐतिहासिक महत्व का है। अब इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस सरकार ने घेरा। इधर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी को हर जगह भ्रष्टाचार ही नजर आता है, चाहे वह मंदिर हो या फिर अन्य विकास कार्य। 15 साल जनता ने देखा है कि बीजेपी ने किस तरह से भ्रष्टाचार किया है। वहीं बस्तर सांसद दीपक बैज का कहना है कि कांग्रेस की सरकार एक सेवा भाव से काम करती है। बस्तर दशहरा में मंदिरों को रंगाई पुताई और अन्य मेंटेनेंस के लिए छोटी छोटी रकम मिलती है और जिससे मंदिरों को सुधारा जाता है। भगवान का नाम लेकर पीठ पीछे भ्रष्टाचार करना तो भारतीय जनता पार्टी का काम है, यह कांग्रेस का काम नहीं है। उन्होंने पूर्व मंत्री केदार कश्यप का बयान को भी नकार दिया है। मुझे लगता है केदार कश्यप जी को ज्यादा पता होगा कि कौन पैसा दिया था उसको, कहां से पैसा दिया था उसको। और भ्रष्टाचार तो 15 साल में तो पूरी छत्तीसगढ़ प्रदेश ने देखा है, उसका नतीजा खुद भी भुगत रहे हैं। उनको लगता है मंदिर हो कहीं पे भी उनको भ्रष्टाचारी नजर आता है। हम भ्रष्टाचार के हैसियत से नहीं, भगवान आस्था के केंद्रों को नहीं छोड़ रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश के लिए क्या हो सकता है। यहां पर जिस तरीके से इन्होंने हमारे बस्तर के जगन्नाथ मंदिर में भवन निर्माण को लेकर के जो भ्रष्टाचार मचाया और उसमें लिपापोती की गई और हमारे आस्था के केंद्र का अपमान किया गया।